आज हम बनाएंगे मेथी के बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने किस तरह से बनाए हैं एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर आपको पसंद आए तो। इस तरीके से तो बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेथी ली है, मेथी को वॉश करके हमने सुखा लिया है, उसको कट कर लिया है। और अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने एक चम्मच घी डाला है और घी में हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेथी डाल दी है, इसे हम ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस एक दो मिनट ही फ्राई करना है, जिससे कि मेथी जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और उसकी कड़वाहट भी थोड़ी कम लगेगी पराठे में। तो इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है मेथी को। तो एक मिनट के लिए हम इसे ढक के पका लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम दो कटोरी आटा डालेंगे। आपको जितना पराठा बनाना हो आप उसके अकॉर्डिंग आटा डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन मिला दिया है हमने, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बेसन मिला दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा बारीक कट करके। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, थोड़ा सा क्रश करके। सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। और अब हम चलते हैं अपनी मेथी की तरफ। तो मेथी देखिए हमारी सिक गई है, थोड़ी सी मेथी सिकनी है, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसे निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए हमारी मेथी ठंडी हो गई है। अब हम इसे आटे में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से सब कुछ हमने मिक्स कर लेना है। मेथी को आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा, तो हमें यहाँ पे इतनी ही ली है। अगर आपको ज़्यादा मेथी पसंद है तो ज़्यादा मेथी ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम सूखे आटे में इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आटे को गूंथ लेंगे। तो इस तरह से आटा गूंथ लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसे आटे को गूंथ लिया है, अच्छी तरह से इसको गूंथना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब हम आटे को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे और इसमें एक चम्मच घी हम इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम इसे ढक के रख लेंगे, इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट डो तैयार होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आटा हमारा, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके लोई बना लेंगे और अपने अकॉर्डिंग परांठा बना लेंगे, जैसे आपको पसंद हो। हमने यहाँ पे दो तरह के परांठे बनाए हैं, गोल भी और चौरस भी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे बेल लेंगे। इसमें इस तरह से हमने परांठे को हल्का सा घी लगा के इसका डो बना लेना है। अब हम इसे गोल गोल परांठा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए फ्रेंड्स परांठा बना लिया है। अब हम इसे तवे में सबसे पहले एक चम्मच घी लगाएंगे, तवा हमारा गर्म हो गया था। हम इसे इस तरह से मिला लेंगे, एक चम्मच घी मिला के अब हम इसे परांठे को डाल देंगे, तो परांठा हमारा बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने सेक लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा परांठा सिक रहा है। अब हम इसे घी ज़रूर ऐड करेंगे, साइडों में घी डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट परांठा बन के तैयार होता है। पराठे तो ज़्यादा घी में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो हल्का हल्का घी लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ से सेक लेना है पराठा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा इस तरह से सेक रहा है और हमने बन सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा पराठे बन के रेडी हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम सेक लेंगे परांठे को। सो फ्रेंड्स, एक परांठा हम इस तरह से भी बना के रेडी करेंगे, देखिए चौरस परांठा। सबसे पहले हम घी लगा लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से हम इसे बंद कर लेंगे।
और अब हम इसे बेल लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला परांठा भी बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो कौन कौन बनाता है मुझे बताना फ्रेंड्स इस तरह से। और देखिए अब हम इसे सेक लेते हैं। हमने यहाँ पे तवे में परांठा डाल दिया है और अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे घी लगा के। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बनता है इस तरह का परांठा भी, इसमें लेयर निकलती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह का परांठा भी बना के रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। यहाँ हमने परांठे सारे बना के रेडी कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट और एकदम टेस्टी परांठा बन के रेडी है। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन फ्रेंड्स जो है इस तरह से परांठा बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए कितना सॉफ्ट परांठा है। आप चाहें तो इसे कहीं सफ़र में जा रहे हों तो सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो दही अचार किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी मेथी पराठा की रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।